नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह के निमू में पहुंचे, जहां भारत के सीमा की रक्षा कर रहे जवानों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। पीएम नरेंद्र मोदी जब सैनिकों को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान उनकी नजर महिला सैनिकों पर भी गई। पीएम मोदी ने इन महिला सैनिकों की भी हौसला अफजाई की। महिला फौजियों को भी देख रहा, युद्ध के मैदान में सीमा पर ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम मोदी ने लेह से चीन का नाम लिए बिना करारा जवाब भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया, और ये हमारी पहचान है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है, दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है, तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है, और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है।